अग्निपथ की अग्नि परीक्षा में जो काम मोदी नहीं कर पाए, जो मोदी के बड़े से बड़े मंत्री नहीं कर पाए, जो भाजपा के धुरंधर से धुरंधर प्रवक्ता नहीं कर पाए, वो काम योगी आदित्यनाथ के एसपी ने कर दिखाया। अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे छात्रों को ऐसा क्या समझाया, छात्रों का गुस्सा भी शांत कराया और भारत माता की जय का नारा भी लगवाया। जी, बीते दो दिनों से अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार को ही एक तरह की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। इस योजना की घोषणा के साथ ही यूपी बिहार समेत देश के 10 से ज्यादा राज्यों में हाहाकारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया, कई जगह पत्थरबाजी हुई, कई जगह तोड़फोड़ हुई, कई सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसे में केंद्र सरकार के बड़े से बड़े मंत्री और भाजपा के सूरमा प्रवक्ताओं तक ने विरोध कर रहे छात्रों को स्कीम के फायदे बताने की कोशिश की, लेकिन ये सब के सब इस कोशिश में फेल साबित हुए। इनकी बातों का छात्रों पर कोई असर नहीं हुआ और छात्रों का विरोध जारी रहा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो काम पीएम मोदी, उनकी टीम, उनकी पार्टी के बड़े से बड़े प्रवक्ता नहीं कर पाए, वो काम योगी आदित्यनाथ के एक एसपी ने कर दिखाया। जी, यूपी से एक वीडियो सामने आया है जिसमें अमेठी के एसपी दिनेश कुमार सिंह प्रदर्शनकारियों से भारत माता की जय के नारे लगवा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एसपी दिनेश कुमार सिंह सड़क पर बैठे नजर आ रहे हैं। उनके हाथों में माइक भी है, वहीं उनके पीछे पुलिस बल मौजूद है, तो सामने अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी बैठे हुए। वीडियो में दिख रहा है पहले एसपी दिनेश सिंह सबसे बैठने के लिए कहते हैं, उसके बाद अमेठी एसपी ने माइक से जोरदार भारत माता की जय के नारे लगाए। जवाब में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भी जयकारा लगाया और इस तरह भारत माता के प्रति छात्रों के दिल में मौजूद सम्मान की आड़ लेकर उन्होंने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित कर लिया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर एसपी दिनेश सिंह की जमकर तारीफ हो रही है। इस वीडियो पर मनोज सिंह नाम के यूजर ने लिखा, एसपी साहब भीड़ नियंत्रण करने के मास्टर ब्लास्टर, महाकुंभ की भीड़ को भी शानदार तरीके से नियंत्रित किया था, खास तौर पर झांसी से बुलाया गया था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी अनुभव है, समाज से जुड़े रहते हैं सर। इसी तरह से और भी यूजर्स ने सोशल मीडिया पर एसपी दिनेश सिंह की दिल खोलकर तारीफ की। एसपी दिनेश सिंह ने साबित कर दिया कि हर मसले का कोई ना कोई हल जरूर होता है, बस इंसान को अपनी बुद्धि और विवेक का सही समय पर सही जगह पर इस्तेमाल करना होता है, जो दिनेश सिंह ने बखूबी किया। बता दें, अग्निपथ योजना के विरोध का असर यूपी में भी देखने को मिल रहा है। बलिया में आगजनी की घटना हुई, हालात को देखते हुए 34 ट्रेनें रद्द हुई है। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है, स्थिति को देखते हुए आरपीएफ, जीआरपी और पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कहा, हमारी यूनिट्स अग्निपथ योजना को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार और उत्सुक है। जहां तक मुझे लगता है कि युवाओं को इस योजना के बारे में अब तक पूरी जानकारी नहीं है। अगले दो दिन में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया की अधिसूचना joinindianarmy.nic.in पर जारी हो जाएगी। इसके बाद आर्मी रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन और रैलियों का ब्यौरा तय करेंगे। इस साल दिसंबर से पहले अग्निवीर की ट्रेनिंग सेंटर में शुरू हो जाएगी। हालांकि आर्मी चीफ के समझाने के बाद प्रदर्शनकारियों का विरोध जारी था, लेकिन अमेठी के एसपी दिनेश सिंह के समझाने के बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत हो गया। एसपी दिनेश ने ये साबित कर दिया कि जरूरी नहीं हर काम के लिए तलवार लाई जाए, कुछ काम सुई से भी पूरे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।